नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। रिम्स के न्यूरो वार्ड से 4 दिन पहले लापता हुए मरीज का शव रविवार को अस्पताल के शौगरी में मिला। परिजनों का आरोप है कि शरीर से अंग गायब किए गए। रिम्स बोला, पोस्टमार्टम के बाद ही सच का पता चलेगा। रिम्स के न्यूरो वार्ड से 4 दिन पहले लापता हुए मरीज का शव रविवार को अस्पताल के शौगृह में मिला। इसके बाद परिसर में सनसनी फैल गई। गया के डोभी निवासी नवीन सोनी को 7 दिसंबर को यहां वार्ड में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि शव के कई अंग निकाल लिए गए। उधर रिम्स के पीआरओ डॉक्टर डीके सिन्हा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब साफ हो जाएगा। अंग चोरी जैसी घटना परियोजना का महत संशय है। मरीज के परिजन मुन्ना सोनी ने बताया कि वे लोग सिर में चोट लगने के बाद 7 दिसंबर को नवीन को लेकर रिम्स पहुंचे थे। 8 दिसंबर से वो गायब था। रिम्स के वार्ड समेत गली मोहल्ले में उसकी खोजबीन की गई। थाने में सनहा भी दर्ज कराया गया, पर पता नहीं चल सका। अचानक रविवार को शौगरी से पहचान के लिए बुलाया गया, जिसमें नवीन की पहचान हुई। बरियातु थाना प्रभारी ने बताया कि शव को न्यूरो वार्ड से शौगरी लाया गया था। उन्होंने बताया कि परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया था, जिसमें मरीज को रिम्स से बाहर जाते हुए पाया नहीं गया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।